तेजी से बदली भारत की राजनीति में आम आदमी पार्टी छुपा रुस्तम है। जिस भी राज्य में इनकी जीत होती है वहां बाकी की पार्टियां साफ हो जाती हैं। दिल्ली के पिछले दो विधानसभा चुनाव हो या हाल ही में हुआ पंजाब का विधानसभा चुनाव, दोनों जगह यही देखने को मिला। 117 सीटों वाले पंजाब में 92 सीटें जीतने वाली आपकी जो सरकार है उसके 6 महीने पूरे हो गए हैं। ऐसे में इस स्टोरी में इस पर बात करेंगे कि राज्य में बिजली फ्री होने से मूसेवाला की हत्या तक क्या क्या हुआ है। आम आदमी पार्टी की जीत में बिना किसी बहस के जो सुविधाएं मुफ्त में मिलती हैं वो एक बड़ा कारण होती हैं। इनमें दो अहम मुफ्त चीज़ें होती हैं जैसे बिजली और पानी। भगवंत मान ने सरकार बनने पर राज्य में बिजली फ्री करने का वादा किया था, ये वादा सरकार ने पूरा कर दिया है। राज्य में 300 यूनिट बिजली फ्री दी जा रही है, लेकिन जो इसके क्रिटिक्स हैं उनका कहना है कि इस अकेली सब्सिडी से 20,000 करोड़ रुपये का खर्च आएगा। पंजाब पर लाखों करोड़ों का कर्ज पहले से है, ऐसे में आलोचकों का ये भी पूछना है कि ऐसी सब्सिडी देना कब तक संभव होगा। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि मान सरकार कितने अच्छे से अपने फाइनेंस को मैनेज करती है। ऐसे ही मैनेजमेंट से जुड़ा एक मूव लगता है 1 MLA 1 Pension। मान सरकार ने इसे लागू कर दिया है। इस एक बदलाव से राज्य को हर साल 100 करोड़ रुपए की बचत होगी। 7th पे कमीशन के हिसाब से UGC के पे स्केल को भी लागू कर दिया गया है। इससे सरकारी शिक्षा से जो लोग जुड़े हैं उनमें जितने भी लोग हैं उनको फायदा होगा। किसानों के लिए पानी बचाने वाली DSR टेक्निक की भी घोषणा की गई है और मूंग दाल पर सब्सिडी की भी घोषणा की गई है। एक बड़ी बात यह है कि अब दिल्ली की तरह पंजाब के किसी जवान के शहीद होने पर उनके परिवार को 1 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। पंजाब सरकार ने 24 घंटे काम करने वाली एक हेल्पलाइन की भी शुरुआत की है। अगर कहीं किसी तरीके का भ्रष्टाचार हो रहा है तो इस नंबर पर कॉल करके उसकी शिकायत की जा सकती है। मान सरकार जो एक बड़ा वादा लागू नहीं कर पाई वो है हर बालिग महिला को हर महीने 1,000 रुपये देने का। ये वादा जब लागू हो जाएगा तो इसके लिए सरकार को करीब 12,000 करोड़ हर महीने खर्च करने पड़ेंगे। तो अब आते हैं कमियों और खामियों पर। जो आलोचक ये सवाल पूछ रहे हैं कि सरकार अपना खर्च कैसे मैनेज करेगी, उनका सवाल बहुत जायज़ लगता है, क्योंकि सितंबर महीने में पैसों की कमी की वजह से सरकारी कर्मचारियों की जो सैलरी है वो एक हफ्ते देर से आई। हालांकि सरकार का दावा ये है कि पैसों की कोई कमी नहीं, फिर भी सैलरी आने में पहली बार इस तरीके की देर हुई। सैलरी जैसे बेहद बेसिक चीज तो है ही, एक सवाल पंजाब के लॉ एंड ऑर्डर को लेकर भी है और ये सवाल बहुत बड़ा है। इसी सरकार के कार्यकाल में हुई पंजाबी स्टार मूसेवाला के मर्डर ने दुनिया को हिला कर रख दिया। मूसेवाला की हत्या के बाद इसे लेकर गंभीर सवाल उठे कि उनकी सिक्योरिटी क्यों हटाई गई और इसकी जानकारी पब्लिक क्यों की गई। इसके अलावा भी पंजाब में कई हाई प्रोफाइल हत्याएं हुई हैं जिसकी वजह से राज्य में जो लॉ एंड ऑर्डर है उसको लेकर बहुत गंभीर सवाल है। लॉ एंड ऑर्डर और स्टेट का फाइनेंस दो ऐसे मुद्दे हैं जो सरकार की कमजोर कड़ी नजर आते हैं, क्योंकि इसके अलावा 26,000 सरकारी नौकरियों के लिए रास्ता साफ करना हो या 100 आम आदमी क्लिनिक्स की तरफ कदम बढ़ाना, सरकार काम करती दिख तो रही है। जाते जाते वापस से वही सवाल रह जाता है कि मुफ्त की सुविधाएं देते हुए मान सरकार घाटे को कैसे मैनेज करेगी। सबकी निगाहें इसी पर होंगी। ऐसी स्टोरीज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को शेयर करिए। देखते रहिए अनकट। मेरा नाम है तरुण।